आज 17 मई और 17 मई से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से प्रत्येक वीडियो का PDF सभी एक साथ मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था, उसका उत्तर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था, होप पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया। अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है। अब इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है अमेरिका में, अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस। क्या मनाया? अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस। लेकिन हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की, तो ये क्यों मनाया जाता है? ये प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ ऊर्जा के रूप में इसे मनाया जाता है। इसके अलावा एक और रीजन है इसको मनाने का कि 1960 में, कब? 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ पर उसके प्रतीक के रूप में भी इसे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो जो आज का दूसरा प्रश्न है वो है प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर। कौन? प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीस उज्जमान का निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो वो थे बांग्लादेश के। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है प्रश्न कि 2012 में इन्हें बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष बनाया गया। कब? 2012 में बांग्ला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया और 2014 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात है यहाँ पे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे परीक्षा की दृष्टि से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बन जाता है। के द्वारा अभी ऋण पर जो 8% का ऋण ब्याज लग रहा है उसमें कितने प्रतिशत का भुगतान राज्य सरकार करेगी? तो यदि 8% का आपसे ऋण लग रहा है तो उसमें से 6% राज्य सरकार बहन करी और 2% आपको उसमें से बहन करना है। तो ये जो योजना है ये गुजरात राज्य सरकार की है। किसकी? गुजरात राज्य सरकार की। इसके अलावा इसका क्या और उद्देश्य है योजना का? तो इसका उद्देश्य है ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगन और 1,00,000 तक की बिना गारंटी के ऋण प्रदान करना। और साथ ही एक और लक्ष्य रखा गया है कि 3 साल के अंदर, कितने? 3 वर्ष के अंदर 5,000 करोड़ रुपये का, 5,000 करोड़ रुपये का यानी कि ऋण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य आता है। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान में CM कौन है? विजय रूपाड़ी। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात से इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है? तो अभी एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आता रहता है क्वेश्चन। और एक लूनी नदी है जो कि कुरुक्षेत्र में आके समाप्त हो जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, तो गोल कार्यक्रम क्या है? गोल कार्यक्रम किनके कौशल को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में गोल कार्यक्रम जनजाति मामलों की मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा आदिवासी युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब ये गोल है क्या, इसको देखते हैं। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, क्या? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये है गोल। अब देखते हैं आगे पांचवा प्रश्न है, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यूरोप में पहला देश बन गया है स्लोवेनिया। कौन सा? स्लोवेनिया। ये यूरोप में पहला ऐसा देश है जो कोरोना वायरस से मुक्त हो गया, यहाँ पर अब कोई मरीज कोरोना का नहीं है। अब इसकी कैपिटल देखते हैं, कैपिटल कहाँ है? जुबलजाना। कहाँ है? जुबलजाना। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? जनेजा। कौन है? जनेजा। अब देखते हैं आज का छठवां प्रश्न, तो आज का छठवां जो प्रश्न है वो है किस राज्य, क्या है?
किस राज्य ने श्रमिकों के 12 घंटे के काम की अधिसूचना को रद्द कर दिया? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने 12 घंटे काम की अधिसूचना को रद्द कर दिया, क्योंकि अभी COVID-19 के कारण उत्तर प्रदेश में बाहर से ज़्यादा लोग अपनी फैक्ट्री लगाएं, निवेश करें। इसके तहत एक श्रम कानून में काफ़ी संशोधन किए गए, उनमें से एक ये भी संशोधन था कि जो श्रमिक हैं उनका जो काम करने का समय है 8 घंटे से 12 घंटे करने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन भारी विरोध के कारण इसे फिर से निरस्त कर दिया गया। तो वे उत्तर प्रदेश, अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और कितने मंडल हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है जो उत्तर प्रदेश के निवासी। तो जिलों की संख्या 75 और 18 मंडल हैं। कितने? 18 मंडल हैं यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। अब देखते हैं आज का सातवां प्रश्न। तो आज का जो सातवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट अभी जारी की है GDP विकास दर की, जो 2020 में कितनी रहने का अनुमान लगाया? तो अभी हाल ही में जो जारी की गई उसमें अनुमान लगाया गया 1.2% रहने का लगाया गया है। अब देखते हैं आज का सातवां के बाद में आठवां प्रश्न। तो जो आठवां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज, क्या है हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो अभी हाल ही में हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक प्रतियोगिता शुरू की है फेसबुक ने, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। इससे पहले भी अभी दो योजनाएं इंपॉर्टेंट फेसबुक लॉन्च कर चुका है, जैसे पहले आई फॉर इंडिया, क्या आई फॉर इंडिया, ये फंड को COVID-19 महामारी से बचने के लिए जो फंड इकट्ठा करने के लिए ये आई फॉर इंडिया लॉन्च किया था इसके द्वारा। और अपनी फेसबुक ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? लिब्रोन, क्या है लिब्रोन, इसे लॉन्च किया। अब बात है यहाँ पे फेसबुक की, तो इसके वर्तमान में CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अब देखते हैं आज का नवा प्रश्न। तो जो आज का नवा प्रश्न है वो है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर, क्या है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस ने। अब आखिर इसको क्यों किया गया है, क्या इससे फ़ायदा है? तो इससे कोरोना योद्धाओं के लिए लॉन्च किया है, इससे दिल्ली पुलिस को 10 से 20 मीटर की दूरी से भारी संख्या में लोगों के टेम्परेचर को आसानी से पता लगाने के लिए इसे किया गया। और इस किसके साथ, किसके सहयोग से इसको लॉन्च किया? तो दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से इस थर्मल कोरोना हेडगियर को लॉन्च किया। इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पे लॉन्चिंग हुई है, थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन, क्या ये ड्रोन को और लॉन्च किया गया है। तो ये क्यों लॉन्च किया गया? इससे क्या होगा, डीप विजन कैमरा इसमें लगा हुआ है, इसकी मदद से जो कर्मी हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और क्या उनकी क्रियाविधि है, उस पर उनकी छवि पर निगाह बनाने के लिए इसे भी लॉन्च किया। बात है यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। अब इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दो एक 5G और एक शील्ड योजना पहले भी लॉन्च कर चुके हैं, जो COVID-19 महामारी से बचाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हों। ये तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी दोनों इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब देखते हैं आज का दसवां प्रश्न। तो जो आज का दसवां प्रश्न है वो MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ये जो डैशबोर्ड है ये लॉन्च किया IIT गांधीनगर ने, इसलिए इसका सही उत्तर बन जाता है बी। आखिर इस डैशबोर्ड को लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस डैशबोर्ड को लॉन्च करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, इसका उद्देश्य संकट के समय में जो अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए इस डैशबोर्ड को IIT गांधीनगर ने लॉन्च किया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है।
तो आज का जो प्रश्न है वो है, विश्व बैंक ने भारत की सामाजिक सुरक्षा पैकेज के लिए कितनी राशि जारी की है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, साथ ही इस वीडियो से संबंधित यदि आपकी कोई क्वारी है या अन्य कोई प्रश्न है जिसका आप उत्तर चाहते हैं, कोई और समस्या है उसको भी आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं पर्सनली जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, और पसंद नहीं आ रहा हो तो करके जाएं। थैंक यू, वीडियो पूरा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।